इटली से फ्रांस तक के सफ़र में क्या खोया और क्या पाया मैं आज के साथ आज आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कहती है ना कि बहुत कुछ शेयर करने से अपने दिल का बहुत हल्का हो जाता है तो बस लास्ट टाइम लास्ट वाले व्लॉग में जब मैंने आपके साथ शेयर किया तो यकीन करें आ, अपने दिल का दुख मुझे बहुत कम होता हुआ महसूस हुआ आप लोगों की मुझे दी गई उम्मीद हौसले तसलियाँ दुआएँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं अल्लाह ताला आप सबके लिए मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ करे और ऐसी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में लेके आए जिनके बाद दुख दूर दूर तक भी ना हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असलैक्म वेलकम बैक टू तो माय चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हम भी अलहमदिल्ला से ठीक हैं मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहे अल्लाह पाक की अमान में रहें कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए आमीन यहाँ पे मैं मैगनेशन कर रही थी जी टिक्के की स्पेशल किस्म के टिक्के बन रहे थे जी आज और उसके लिए मैंने तीन से चार चम्मच माया ली थी उसके अंदर मैंने हाफ कप योगर्ट ऐड की है और रेड कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है साल्ट ऐड किया है धनिया पाउडर जीरा पाउडर ऐड किया था चाट मसाला पाउडर ऐड किया है डेढ़ चम्मच भर के तिक्का बोटी का ऐड किया था और अदरक लहसन का पेस्ट ऐड किया था जितनी भी क्वांटिटी मसाले हैं सब मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी फिर मैंने मीट एंडराइजर ऐड किया था आपके पास आम चूर हो तो वो दी बेस्ट है ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मेरे पास लेमन नहीं था लेमन का फ्रेश जूस नहीं था तो मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया था इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक किलो चिकन ले के बोनलेस उसके मैंने तकरीबन दो इंच के पीसीस कर लिए थे उसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने सारे मसाले में डिप करके रख दिए एक ही मेरे पास बेल पेपर पड़ी हुई थी उसके भी मोटे से चंक्स काट के मैं इसको रख दूंगी मैरिनेशन के लिए ओवर नाइट कम अज़ कम पाँच से छः घंटे के लिए अगर आप मैरिनेशन करके बनाते हैं ना चिकन तो ये बहुत मज़े का बनता है उससे ये होता है कि इतना साफ्ट और जूसी सारे मसाले अच्छी अच्छे से अंदर तक चले जाते हैं यहाँ पे मैं बना बना लूँगी जी साथ इसके तुर्किश जो ब्रेड होती है वो और उसके लिए मैंने चार अदद लिया चार कप लिया जी मैदा और मैदा चार कप लेने के बाद उसमें जाएगी जी योगर्ट तकरीबन छोटा जो है एक कप हाफ कप कर लें और योगर्ट थिक वाला मैंने लिया था ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी साल्ट वन टीस्पून भर के साल्ट जाएगा और फिर इसमें डाल दूंगी ऑलिव ऑयल तकरीबन दो से तीन चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा वन टेस्ट वन टेबल स्पून और आयल जाएगा दो से तीन चम्मच और बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको नीम गर्म पानी से मैं गूँद के डो को सॉफ्ट सी डो को गूँद के मैं रख दूँगी हमारे ये तुर्किश ब्रेड जो है ये नान जो है इतने मज़े के होते हैं रेडी और तिक्कों के साथ नान का एक अपना ही अलग से मज़ा आता है काफी दिनों से मेरी बेटी फरमाइश कर रही थी कि मामा आपने कितने टाइम हो गया टिक्के नहीं बनाए तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज टिक्के बना लिए जाए और यहाँ पे जितने भी चैनल पे नए लोग आए हैं मैं उनका बहुत ज्यादा दिल से वेलकम करूंगी आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी इतना ज्यादा मुझे आप लोगों ने अप्रीशियेट किया मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा दुआएं दी और जिस जिसने बताया कि उनकी फैमिली में से अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उनको जितने भी बीमार मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफाई कामला और आज लाद आमीन लास्ट वाली वीडियो मैंने हिना जी और वसीम जी के लिए बनाई थी और आ, आ, वसीम भाई का भी मुझे मैसेज आया थैंक यू सो मच वसीम भाई अल्लाह पाक आपको बहुत जल्द शिफाई कामला और आजला दे आप खैर से अपने घर चले जाएं आमीन वाकई ही यह बीमारी आजमाइश होती है और अल्लाह ताला अपने प्यारों को आज़माता है तो हम किस खेत की के मोली हैं हम तो इनतहाई गार हैं मेरे साथ हमारे साथ आ, इन छः सालों में हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया चार साल से हम लोग यहाँ फ्रांस में शिफ्ट हुए हैं इटली से और इटली से हम यहाँ पे क्यों आए थे क्योंकि वहां पे डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को कहा था ट्रांसप्लांटेशन के लिए छः से सात साल इंतजार करना पड़ेगा और उन्होंने मेरे हस्बैंड पे जब इतने ज़्यादा समझे तजर्बे किए नालियाँ जो थी डायलिसिस की पहले सीने पे लगाई फिर गर्दन पे पहले गर्दन पे फिर सीने पे फिर पेट पे लगा के मशीन ही घर भेज दी थी वन ईयर तक मेरे हस्बैंड के डायलिसिस घर पे होते रहे उनकी वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी सेहत बहुत गिर गई थी तो ज़िंदगी है तो सब कुछ है बहुत सारे लोगों ने भी कहा तो मैंने भी अपने हस्बैंड को फोर्स करके यहाँ फ्रांस भेजा के जाएं बहुत से लोग कहते थे तब ये कोविड से पहले की बात है लोगों ने कहा कि यहाँ फ्रांस में बहुत जल्द ट्रांसप्लांट होता है सिक्स मंथ एट मंथ के अंदर अंदर यहाँ आप इनको जर्मन में भेज दें जर्मन में चूंकि इनका कुछ कोई भी जाने वाला नहीं था और फ्रांस में एक फ्रेंड भी था इनका तो ये यह यहाँ पे आ गए लेकिन किस्मत की देवी को क्या पता होता है ये कोई नहीं जानता एक साल मेरे हस्बैंड यहाँ पे डायलिसिस करवाते रहे जब आए थे तो डॉक्टर्स ने वन ईयर का टाइम दिया था ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग बहुत हैप्पी थे कि शुक्र है पाँच से छः पाँच से छः साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा एक साल में ही इनका ट्रांसप्लांट हो जाएगा और ये ठीक होके वापस आ जाएंगे वन ईयर के बाद जब हम लोग यहाँ पे आए बच्चों को छुट्टियाँ थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा देर के लिए जाए यहाँ पे और जब यहाँ पे आए तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया कोविड आ गया तो हम यहाँ के यहाँ रह गए फिर मैंने यहाँ पे इस सहारा करवाया था कि अगर या अल्लाह हमारे लिए यहाँ रहना बेहतर है तो हम यहाँ पे रहें अगर यहाँ रहना बेहतर नहीं तो हमारे वापस जाने का वसीला बन जाए लेकिन उस टाइम कोविड इतना डेंजरस किस्म का था कि सारी फ़्लाइट्स सब कुछ बंद हो गया था हम वापस नहीं जा पाए और यहाँ ही हमें रहना पड़ा बहुत सारे क्राइसिस देखे हमने जो वहाँ की लाइफ थी और जो यहाँ की ज़िंदगी थी ज़मीन आसमान का फ़र्क था वहाँ पर अपना बिजनेस था घर था सब कुछ था सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी यहाँ पे आए एकदम माइनस ज़ीरो पे चले गए और जितनी स्ट्रगल यहाँ पे की है वहाँ तो वहाँ पे भी बहुत सारी मैंने टू इयर्स वहाँ मैंने सुबह से लेकर रात तक काम किया था लेकिन यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के साथ सड़कों पे जाके हैंड फ्रिज बेची है मोबाइल का सामान बेचा है लास्ट ईयर तक पेरिस में जाके के पे खड़े होके हम लोगों ने घर में खाने का जो सामान होता है वो भी सेल किया है लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के जो बाजू में मशीन लगी हुई थी वो खराब होगी क्योंकि वो वेट नहीं उठा सकते थे और हमारे घर से पेरिस का डिस्टेंस जो है तकरीबन डेढ़ दो घंटा लगता है मुझे क्या हुआ कि मुझे पट्टों का मसला बहुत शदीद किस्म का हो गया वो हैवी किस्म का सामान सीढ़ियों से उठा के उतरना मेट्रो में जाना ट्रेंस में जाना तो मुझे बहुत मसला हो गया फिर एक साल हो गया है कि हमने वो काम छोड़ के यही सोचा कि बस जो खाने का काम है हम लोग वही करें घर में खाना बना के सेल आउट करने वाला काम हम लोगों ने स्टार्ट किया मुझे कभी भी इस चीज़ की परेशानी नहीं हुई कि रिस्क के लिए हाँ कभी कभी बहुत मसले हुए लेकिन मुझे इस बात पे बहुत यकीन था कि रिस्क तो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे पे लिया है कहीं ना कहीं से रिस्क उसकी जात ने हमें देना है वसीला वो बनाता है चाहे हम खाना बेच के वो वसीला बनाए चाहे हम लोग बाज़ार में जाएँ लेकिन उसकी ज़ात जो है वसीला इंसान का बनाता है और इस ज़िंदगी की परेशानियों से कभी कभी इंसान परेशान ज़रूर होता है लेकिन मुझे उसकी जात पे बहुत ज़्यादा यकीन था कि जब उसने अपने प्यारों को इतना ज़्यादा आजमाया है अपने पैगम्बरों को आजमाया हज़रत याकूब आम हज़रत हज़रत इब्राहिम बहुत सारे अम्बिया खान को उसने आज़माया है तो हम कौन है हम तो गुनाहगार उनके पाओं के जूती की खाक के बराबर भी नहीं है बस अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से निकाले हमारे लिए आसानियाँ करे और जितने भी मोमिन जहाँ कहीं परेशान हैं अल्लाह पाक सब की परेशानियों को दूर करे आमीन बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जितने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनका मेरा दिल से वेलकम है वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानब मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया तो बस मुझे भी लगता है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं तो इन शह सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी किस्मत की चक्की के भाटों से पिसने के बाद जो तकदीर अल्लाह ताला ने लिखी होती है ना या जो रोशन सुबह अल्लाह ताला ने इंसान की किस्मत में लिखी होती है उसको पूरी दुनिया देखती है आप लोगों ने भी मेरा ये टाइम देखा और आप लोग मेरा आने वाला टाइम भी देखेंगे इन शाह अच्छा वक्त आएगा मुझे उसकी ज़्यादा पे बहुत ज़्यादा यकीन है अपने हस्बैंड की हिम्मत को मैं सलूट पेश करती हूँ कि इन पाँच से छः सालों में उन्होंने कभी गिरने नहीं दिया ना ही मुझे ना मेरे बच्चों को ना खुद अपना हौसले को कमज़ोर किया मेरे साथ एक तंदुरुस्त इंसान की तरह हर जगह पे खड़े रहे मेरा बाजू बन के मेरे सर का साइबान बन के और शायद जो आज मैं स्ट्रांग हूँ शायद आज जो मुझे कहीं पे जाते हुए कोई भी काम करते हुए मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती उसके पीछे मेरे हस्बैंड का एक स्ट्रांग बाजू है अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को बहुत जल्द सेहत दे दे और जितना उन्होंने सबर किया है अपनी बीमारी के साथ इन मुश्किल हालातों से वो लड़े हैं अल्लाह ताला उनको इसका बहुत जल्द अजर दे आमीन जितने भी लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं उनका भी बहुत दिल से मेरा थैंक्स है दो से तीन दिन वीडियो नहीं बना सके क्योंकि जब से मैंने वसीम भाई की वीडियोज देखी है ना तो ऑबियसली होता है कि इंसान अपनी पुरानी यादों को कभी भी नहीं भूल सकता पुराने वक्त को इंसान चाहने के बावजूद भी नहीं भूल सकता तो मुझे तब से वो दिन याद हैं जब मेरे हस्बैंड की डायलिसिस स्टार्ट हुए वो एक महीना हॉस्पिटल में रहे तो दो तीन दिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मेंटली तौर पे इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई आप लोग मेरे हस्बैंड को देखते होंगे अपने चैनल पे भी स्ट्रांग नवीदीन के चैनल का नाम है ये वीडियोस भी बनाती हैं तो कभी भी ना उम्मीद नहीं होते और ना ही हमें ज़िंदगी में कभी ना उम्मीद होना चाहिए इटली में कारोबार खोया लेकिन यहाँ आके क्या पाया अल्लाह ताला ने मुझे एक राहमत से नवाजा मेरी बेटी हुरैन यहाँ फ्रांस में पैदा हुई और ये उस वक्त था जब हम लोग एक पीच की परेशानियों पर थे परेशानियों की एक इंतहा पे थे तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि शायद अल्लाह ताला की रात हम ज़ात हमसे नाराज़ हो गई है लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे एक प्यारी सी गुड़िया दी एक राहमत मेरे घर में आई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जिस घर में राहमत आती है ना अल्लाह ताला उनसे कभी नाराज़ नहीं होता दो साल पहले जब मेरी बेटी मेरी गोद में आई तो मुझे लगता था कि शायद इस परेशानियों वाले घर में एक रोशनी की किरण आ गई है मेरे बच्चे जो हर टाइम अपने बाप की बीमारी की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहते थे उनके लिए ये खिलौना था हर टाइम हंसने हंसाने वाला और आ, मेरे बच्चे बहुत बहादुर हैं बहुत स्ट्रांग हैं मेरे बच्चों ने क्या सीखा मेरे बच्चों ने सब्र करना सीखा उन महरूमियों पे जो बाकी बच्चों को मैसर हैं उन पे मेरे बच्चों ने सब्र करना सीखा मेरे बच्चों ने हालात से लड़ना सीखा और मेरे बच्चों ने यह सीखा कि थोड़े में भी कैसे अल्लाह का शुक्र करते हैं ये सीखा तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों का भी फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा ये वो चमकते हुए हीरे होंगे जिन्हें वक्त की चक्की ने बहुत बारीकी से पीसा है मैंने अपने बच्चों के साथ इन पाँच से छः सालों में छोटी छोटी खुशी को ढूंढ के बहुत बड़ा करके सेलिब्रेट किया है आप सब सुनने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है अगर जिंदगी की परेशानियों में कभी आप घिर जाएं तो अल्लाह की जात से कभी भी मायूस ना हो अल्लाह की जात इंसान जब सब इंसान को छोड़ जाते हैं तो अल्लाह की जात इंसान का बाजू बन जाती है अंधेरे के बाद उजाला बहुत जरूर आता है रात जितनी तारीख होती है ना सुबह उतनी ही ज्यादा चमकदार होती है अल्लाह ने मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने से बहुत करीब कर दिया हमने रब की जात को कहाँ कहाँ नहीं देखा हर लम्हे अपने साथ हम लोगों ने उसकी ज़ात को महसूस किया है उससे बढ़ के कौन मेहरबान हो सकता है उससे बढ़ के कौन रहीम हो सकता है जो अपने बंदे से एक माँ से भी ज्यादा सत्तर गुना ज्यादा मोहब्बत करती है तो इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती इसलिए जितनी ज़िंदगी है उसको हंस के जिएं ज़िंदगी के दुखों को हंस के उनका मुकाबला करें तो यही ज़िंदगी है अल्लाह ताला आपका और मेरा हामियों नासिर हो ज़िंदगी रही बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ अल्लाह हाफिज़ टेक केयर फ़ी अमानिल्लाह